हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड विश यू अ मेरी क्रिसमस। सो आज है 25 दिसंबर और आज से चर्च की मेला भी स्टार्ट हो रही है और आज शाम को हम जाएंगे घूमने, तो आप लोगों को दिखाएंगे मेदनीपुर की चर्च कैसा है और मेदनीपुर में क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट किया जाता है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और पिछले साल ये मेला नहीं हुआ था, तो आज से लेके 3 जनवरी तक ये वाला मेला रहेगा, तो हम जाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। तो अभी हम लोग रेडी हो गए हैं और हम लोग अभी जा रहे हैं केक खरीदने, तो आप लोग भी चलिए। हमने केक ले लिया है, घर जाके आप लोगों को दिखाती हूँ हमने क्या क्या लिया है। सो अभी जल्दी से घर जाते हैं। छत पे आई हूँ और कपड़े सुखाने के लिए आई थी, तो मैंने सब कुछ सूखने के लिए दे दिया है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ी सी बातें भी कर लेते हैं। तो हम लोग आके केक खा लिया है और उसके बाद हम लोगों ने लंच भी कर लिया है। तो बचपन में हमारे लिए पापा बहुत सारे केक ले आते थे और लिटरली हम लोग गिनते थे कि हम लोगों ने कितनी सारी केक खाई है, और उसके बाद हम लोग दोस्तों के जाकर बताते थे कि हम लोगों ने इतनी सारी केक खाई है, तुमने कितनी सारी केक खाई है। तो यही सब करते थे हम लोग बचपन में। और आज के दिन पे आप लोग कितनी सारी केक खाई है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और मुझे जान के बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो बचपन की और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सो बचपन में हम लोग गेट पर मोज़े भी रखते थे क्रिसमस पे, और ताकि संता हमारे लिए कोई गिफ्ट छोड़ जाए, और लिटरली संता हमारे लिए गिफ्ट दे के जाते थे। और हम लोग सुबह उठ के देखते थे कि हमारे मोज़े पर 5 रुपये की 10 रुपये की कॉइन और छोटे छोटे चॉकलेट्स है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे। और हमारी संता कौन है पता है आप लोगों को? हमारी संता है हमारे पापा। तो पापा ऐसे मोज़े पर गिफ्ट रख के हमें फिर हमें नींद से जगाने आते थे और हमें बोलते थे कि देखो संता ने हमें क्या गिफ्ट दिया है। तो हम लोग उठ के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे और मम्मा से पूछते थे कि सच में संता आया था क्या। तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा छोटे थे तो हमें तो उतनी समझ में नहीं आती थी, तो हमें गिफ्ट मिल जाता था और यही हमारे लिए बहुत होती थी, हम लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी होते थे। सो यही सारी चीज़ें हैं, बचपन की यादें हैं। तो हम लोग क्रिसमस आते ही बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील करते हैं। तो पहले तो हम लोग चारों मिलके क्रिसमस पे मेले देखने जाते थे, बट पिछले साल नहीं हुआ था तो हम लोग नहीं जा पाए थे। बट इस बार तो मम्मा की तबीयत ख़राब है तो मम्मा नहीं जा पाएगी और दीदुन भी नहीं जा पाएगी, दीदुन की पैर में थोड़ी सी फ्रैक्चर आ गई है। तो पापा और दीदुन मम्मा की ख्याल रखेंगे, घर पर ही रहेंगे वो लोग, और हम तीनों मिलके जाएंगे चर्च की मेले देखने। तो गाइस हम रेडी हो गए हैं और अभी जल्दी से निकलते हैं, शाम हो चुका है, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, 6 बज चुका है ऑलरेडी, तो जल्दी से हम जाते हैं। जी
কত করে দিয়েছ?
एनीवेज हम लोग आ गए हैं और आके मैंने मेकअप रिमूव कर लिया है और ये वाला मैंने मेले से ख़रीद के लेके आया है। ये मुझे 80 रुपये का बोल रहा था तो मैंने 70 रुपये में इसे लिया है और आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा था। सो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है और आज बहुत ज़्यादा भीड़ था तो मैंने जितना हो सका है कवर करने की कोशिश किया है। तो बाद में भी हम लोग जाएंगे, 3 जनवरी तक ये मेला रहेगा तो आप लोगों को बाद में भी व्लॉग देखने को मिलेगा। तो या आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय गाइस, टेक केयर।